फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग पीहू की दुनिया। आज हम लोग माता रानी का दर्शन करने गए हैं, और कहते हैं ना कि नवरात्रि में माता रानी का दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो जय माता दी। और हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए गए, और इतनी अच्छी अच्छी फील होती है आप माता रानी का दर्शन करते हो, वो भी साथ में फैमिली के साथ हो तो और भी अच्छी। तो हम लोग सवेरे सवेरे वहाँ से घर से निकले कि इससे सवेरे ही दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया कि अभी रोपवे बंद है, और किसी इशू ऊपर में कोई इशूज़ है इसकी वजह से बंद है। तो हम लोग यहाँ पे सभी लोगों को वेटिंग रूम में बैठा दिया गया, और देख सकते हैं सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या है। तो हर हर महादेव। यहाँ पीहू जहाँ कहीं भी शिवलिंग दिखती है वहाँ पे हाथ जोड़ कर हर हर महादेव कहती है। यहाँ पे सभी को वेटिंग रूम में बैठा दिया गया था, और शायद 2 से 3 घंटे बोले कि लगेंगे रोपवे स्टार्ट होने में, वो भी होगा या नहीं। तो सभी लोग बोर हो रहे थे, इसका ख्याल रखते हुए यहाँ पे व्यवस्था किया गया था इंटरटेनमेंट का। और देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने इंटरटेन किया। रियल में जो भी है हो सका, बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने भी इंटरटेन किया। सब लोग इंजॉय करने लगे, फिर पता नहीं चला कि इसे चलो 2 से 3 घंटे भी हो गए, और पता भी नहीं चला कि ये है। मेरी पीहू थोड़ी बोर हो रही थी, एक बच्ची है, और थोड़ी सी कहते ना कि आप उसे खाना नहीं खिला रहे हैं या कुछ, मतलब वो नहीं कि से नवरात्र चल रहा है, बहुत मुश्किल से माता रानी का दर्शन करने को मिलेगा। तो ये थोड़ी सी ये हो रही थी, बट ये सब देखकर वो भी खुश हो गई, और साथ में बच्चे जब यहाँ पे बैठ गए तो उसके साथ ये भी इन्वॉल्व हो गई। फिर ये घर जाने की जिद नहीं की और बाहर निकलने की जिद नहीं की, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग रूम में ही सबको बैठा दिया गया था, और बोला गया था कि कोई अंदर बाहर ना करे, वेटिंग रूम में शांतिपूर्वक बनाए रखें। तो अच्छा लगा कि ये व्यवस्था किया गया, नहीं तो शायद सब लोग रिटर्न ही हो जाते। तो पीहू बोर हो रही थी, वो खुश हो गई और इन्जॉय करने लगी सारी चीज़ों को, और उसके फाइनली आकर बोले कि रोपवे स्टार्ट होगा, और बताए कि क्या काउस था कि आप लोगों को रोका गया था, क्योंकि ऊपर में कुछ हवा का या जो भी है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे बना हुआ 10,000 सीढ़ी है, और रोपवे से जो जहां जाते हैं वहां 5,000 तक ही पहुंचता है, उससे आगे भी 5,000 है, जहां हम लोगों को अम्बे माता का दर्शन करने था वहाँ जाना था। तो वो समझा रहे थे कि आपकी सेफ्टी के लिए, आपको दिक्कत ना हो या किसी दिक्कत से ना गुजरे, इस चीज़ के लिए रखा गया था। तो स्टार्ट कर दिया गया, यहाँ टिकट ले लिया गया है, देख सकते हैं। तो टिकट वन साइडेड ही लिए, क्योंकि उसमें बोल रहे थे कि अगर आप चाहे तो डबल साइडेड ले सकते हैं आने जाने का, बट मौसम अगर ख़राब होगा, कुछ इशू होगी तो टिकट का बैलेंस रिफ़ंड नहीं होगा, इसलिए वन साइडेड ही हम लोग लिए। और यहाँ पे हम लोग एंट्री मार दिए, और यहाँ पे बैग चेकिंग, क्योंकि ऊपर में कुछ भी आप नहीं ले जा सकते, कोई प्लोटीन कोई या खाने का चीज़ कुछ भी नहीं ले जा सकते। पीहू यहाँ अपने दादाजी और पापा को खोज रही है, क्योंकि वो दादाजी को नहीं देखती तो रोने लग जाती है, इसी वजह से वो देखी और अपने में शांत हो गई। तो हम लोग एंट्री के लिए यहाँ पे जाने को स्टार्ट हो गए। तो देख सकते हैं कि पीहू इंजॉय कर रही है, यहाँ पे उसे गोदी में नहीं आना इसलिए, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग वे में जाने का था, तो वो एक गेम की तरह इंजॉय करने लगी। यहाँ पे चेकिंग हो रही है कि कितने जने हैं, तो यहाँ पहला यहाँ से एंट्री हो गई रोपवे के लिए। और कहते ना कि हम एक आशा छोड़ देते हैं कि शायद 2 से 3 घंटे हो गए, शायद नहीं जा पाएंगे, बट माता रानी का कृपा था कि रोपवे स्टार्ट हुआ और हम लोग चल दिए। देख सकते कितनी खूबसूरत सी व्यू है, और एक होता है ना कि थोड़ी सी हरियाली देखकर मन भी प्रसन्न हो जाता है कि हो कितनी खूबसूरत सी प्लेस है। और यहाँ से हम लोग रोपवे के लिए चले गए, और पीहू होता है ना छोटे छोटे से स्टॉल लगे हुए थे हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे छोटा झूला दिख रहा है, उसे झूला झूलना है, टेडी बियर लेना है। मैं कह रही हूँ दादाजी भी बोल रहे हैं कि इसे चलो लेट हो जाएगा,
और यहाँ से हम लोग माता रानी के दरबार में जाने के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि नवरात्रि में महारानी माता की दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि स्टार्टिंग में लगा नहीं था कि कोई आज रोपवे स्टार्ट भी होगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं है कि इसे 2 या 3 घंटे वेट कराया जाए इसलिए। और यहाँ सामने जो दिख रहे हैं वो इतने जल्दी एक्सप्लेन किए और पिक्चर क्लिक करवा दिए, लगा कि मौसम ख़राब है इसकी वजह से पिक्चर ले रहे हैं। बट इन लोगों का तो अलग ही बिजनेस स्टार्ट होता है कि पिक्चर लेने घींच लेने के बाद एक कूपन दिए कि इस कूपन को आप दिखाएंगे तो जो पिक्चर घींचा गया है या लिया गया है वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आपकी मन पे है, आप लेना चाहें तो ले, ना लेना चाहें तो कोई बात नहीं। तो बोले इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेने की मन होगी तो लेगी, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, अगर आप निकालना चाहे तो मोबाइल से भी आप पिक्चर कहीं पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ तो कोई बिग इशू नहीं थी। और यहाँ पे जो नीचे व्यवस्थित किया गया था एंटरटेनमेंट के लिए, वो यहाँ पे एंटरटेनमेंट की व्यवस्था रखी गई थी। और पीहू को जो डांस कर रहे हैं वो पकड़ रहे थे, तो इसलिए पीहू बैक साइड में भाग गई और यहाँ से फिर बाहर निकल गई। तो ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी एक्साइटमेंट होती है जाने की। यहाँ पे पीहू को रोक रहे हैं कि तुम रुक जाओ, दादाजी को जाने दो, मम्मा को जाने दो, बट वो भागकर दादाजी के पीछे पीछे चली गई, क्योंकि वो फुल एक्साइटेड होती है दादाजी के साथ बाहर घूमने में और इन्जॉय भी करती है। एक होता ना कि दादाजी के साथ बैठना उठना, उनके साथ ही खाना, जब खाने मिलना तो उनके साथ दादाजी भी पीहू को खोज रहे हैं, तो एक होता है कि बॉन्ड हो जाता है हर समय की। तो यहाँ पे जो हाथ में वो दिखा रहे हैं कि इसी से ये दूंगा तभी वो पिक्चर देगा, मेरी मर्जी, लेना है तो ले, नहीं तो नहीं भी ले सकते। और कहते ना कि माता रानी का बुलावा आता है तभी लोग जाते हैं, वो भी नवरात्रि के टाइम में। तो थोड़ा सा एक महारानी का कृपा है कि वो हम लोग को दर्शन के लिए बुलाए, क्योंकि माता या भगवान कोई दर्शन लेना या देना चाहते हैं तभी किसी की इच्छा होती है जाने की। तो शायद शायद अचानक जाने का, अगर भगवान माता का दर्शन करने का प्लान बना हो तो दर्शन देना चाहती थी। थोड़ी सी टाइम लगा कि 2 से 3 घंटे वेट करने पड़ गए, लेकिन पता नहीं चला, एक मन में विश्वास था कि नहीं मिलना है तो दर्शन करना है तो करना है, वो हो जाता है। और सबसे लंबा रोपवे है ये, और गिरनार, ये गिरनार कितनी खूबसूरत सी प्लेस है, कितनी खूबसूरत सी जगह है। हम लोग को एक चैप्टर थोड़ी सी स्टडी भी करनी थी गिरनार को लेकर। यहाँ पे देख सकते हैं कि पीयू बार बार दरवाजे के पास जाने की कोशिश कर रही थी, बार बार जाने के लिए रो रही थी, तो लोग पकड़ रहे थे। और जो सामने लिफ्ट में साथ में बैठे हुए थे वो भी बोल रहे थे कि यहाँ ऊपर आने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ का मौसम ख़राब था या जो भी इशूज नीचे बताया जा रहा था, क्योंकि मैं 5 से 6 बजे से ही यहाँ पे आ जा रहा हूँ, लेकिन हर बार बोला जा रहा है कि अभी नहीं स्टार्ट हुआ है रोपवे, नहीं स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कोई मिलने का एक इच्छा बनाकर निकला है घर से, अगर सामने आकर अब बोला जाता है कि कुछ ऊपर में इश्यूज है इसकी वजह से या हवा का दबाव है इसकी वजह से, जबकि कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। अदरवाइज़ फाइनली हम लोग चले गए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो रिटर्न होने के बाद थोड़ा सा माइंड में हो जाता है कि शायद कुछ किया होगा इसलिए ऐसा हो गया, शायद कुछ किया होगा, तो एक होता है ना कि ये हो जाता है। बट इट्स ओके, सब चीज़ फाइनली हम लोग जा रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं है। और कितने अच्छे व्यू हैं सामने, छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे। और पीहू जहाँ भी देख रही थी वो चिल्ला कर बोल रही थी, मम्मा देखो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, क्योंकि सामने वो हमेशा स्वामी नारायण की मंदिर देखती है और उठते के साथ उसे प्रणाम करती है, तो इसलिए वो हमें ये दिखा रही है कि मम्मा प्रणाम करो, स्वामी नारायण है, स्वामी नारायण है। तो फाइनली हम लोग देर से ही सही, लेकिन माता के दरबार में जाने के लिए पहला चरण स्टार्ट कर लिया और हम लोग पहुंच गए हैं माता के दरवाजे के सबसे निकट। और देख सकते हैं कितने खूबसूरत सी प्लेस है, देख सकते हैं, बस गए खड़े हुए, प्रणाम किए, बस हो गया। यहाँ पे प्रसाद के रूप में दिया जाता है और एक मैं भी ली हूँ। और देख सकते हैं इस तरह से बैग बनाकर देते हैं, यहाँ पे प्रसाद ले ली और मंदिर के अंदर चली गई। यहाँ तक मैं ले माता शेरावाली की सवारी, और ये सामने मंदिर रहा, बस यहाँ पे जाना है, निकलना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना रहता है, बस 1 मिनट मुश्किल से खड़ा होना होता है। ये माता की पिक्चर है जब पिछले बार गई थी उस समय की है।
हम लोग दर्शन करके बाहर निकल गए, और जो वहाँ पे प्रसाद चढ़ाई हूँ या जो है वही हम लोग बाहर निकल कर खा रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यही जस्ट बगल में ही स्टॉल लगाए रहते हैं, क्योंकि ऊपर आप कुछ भी नहीं ला सकते, और 5,000-10,000 सीढ़ी के ऊपर में ये सब मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ी बहुत होता है ना कि गठिया भजिया फाफड़ी यही सब मिलता है, तो थोड़ी ले ली, और पीहू को या हम लोग भी थोड़े थोड़े पीस थोड़ा खा लिए। पीहू अगर नहीं खाती शायद तबीयत ख़राब हो जाती, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही प्रसाद भी खा लिए। और ये और वहाँ से हम लोग यहीं पे बैठे रह गए, क्योंकि पीहू को इतनी जिस तरह से बोला जा रहा था उस अनुसार से ऊपर में नहीं लग रहा था। यहाँ पे लोग घेरे हुए थे कि जिनको इतनी दूर यहाँ से फिर पैदल जाकर ऊपर दर्शन करना रहता है, फिर ये दातार चोटी है, तो देख सकते हैं कि जो नहीं जा पाते उनके लिए ये सब वो बोलते हैं कि मेरे पास से आप टोली में भी जा सकते हैं, लोग कंधे पे ले जाते हैं 7,000-5,000 जिस अनुसार से बैलेंस है ले जाते हैं, घुमाते हैं, जिनको जाना या गछा हुआ होता है कि ऐसे जाना है तो वो जाते हैं डोली में बैठकर। तो हम लोग वहीं पे वेट करके इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि धूप बहुत थी, शायद जाती तो तबीयत ख़राब हो जाती पीहू को, इसलिए हम पीहू वहीं पे वेट करने लगे। और देख सकते कितनी खूबसूरत सी छोटे छोटे हर जगह मंदिर बने हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं। तो ये रहा अम्बे माता का मंदिर, और मान्यता है बहुत यहाँ पे पूर्णिया के दिन लोग जिनको सक्षम हो सकते हैं वो पैदल भी आते हैं 5,000 सीढ़ी चढ़कर, बट जो नहीं हो पाते वो रोपवे का सहारा लेते हैं। और ये देख सकते हैं छोटा सा स्टॉल बनाकर पूजा का सामग्री रखे रहते हैं। तो ये लोग दातार चोटी का दर्शन करके आ गए, और यहाँ पे सब लोग आसपास के व्यू देख रहे हैं, और पीहू भी देखी दादाजी आ गए और बहुत खुश हुई और जाकर बगल में खड़ी हो गई है। बगल में बैठ देख सकते हैं कि अंकल हैं, वो भी अपना पिक्चर ले रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत सी व्यू लगती है, हर कोई अपना कैप्चर करना चाहता है ये से। तो वो होता है यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, धूप बहुत थी, तो पीहू हम लोगों की पिक्चर ले रही थी, तो मैं उसकी पिक्चर लेती, क्योंकि वो कभी इस तरह से पिक्चर ली नहीं है, मोबाइल देखती है बट एक इस तरह से होल्डिंग करके पिक्चर बनाना ये कभी की नहीं थी, इसलिए मैं उसकी पिक्चर ले रही थी। पे भी वो बहुत एक्साइटेड है और देख रही है, घींच रही है, दादाजी को बार बार बोली दादाजी इधर देखिए, दादाजी इधर देखिए, नहीं देखते हैं वक्त तो इसलिए हम लोग ज़्यादा हंस रहे थे कि वो कहते हैं ना कि दादाजी के साथ पूरी घुल मिल गई है, तो थोड़ी सी वो एक्साइटेड थी दादाजी को पिक्चर खींचने में, और दिखाती है फिर बाद में खींचने के बाद। और यहाँ पे हम लोग रिटर्निंग टिकट ले रहे हैं, क्योंकि जितना घूमना था सही टाइम से हम लोग घूम भी लिए और रिटर्निंग का टिकट ले रहे हैं, कि कहीं एक होता है ना डर में कि कहीं रोपवे बंद ना हो जाए, तो 5,000 सीढ़ी आप पार करके फिर नीचे आना, ये सामने दातार चोटी है, उसके जस्ट बगल में गिरनार चोटी है, क्योंकि 5,000 ऊपर चढ़ना रहता है, उसके नीचे डाउनवर्ड से फिर ऊपर गिरनार चोटी जाना रहता है। तो हम लोग 5,000 तक आए, और हम तो बैठे हुए रहे, लेकिन ये थोड़े से चाचा जी और सानू जी थोड़ा सा आसपास जो भी मंदिर थी या दातार चोटी ये सब जाकर घूम कर आए। और पीहू देख सकते हैं कि अब हम लोग रिटर्निंग के लिए उस प्लेस पे आ गए, और यहाँ आने के बाद पता चला कि ये जो जितने जने हैं उतना लास्ट है, उसका रोपवे बंद कर दिया जाएगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बट जो भी है, तो हम लोग को टिकट मिल गया, ये काफ़ी है, माता रानी का कृपा है कि सही से सब लोग घूम भी लिए और अच्छे तरीके से रिटर्निंग भी हो रही है। तो ये थोड़ा सा लग रहा था कि इतने छोटे छोटे बच्चे ऊपर पहुँचे हुए हैं, उनका क्या होगा, और यहाँ पे ये इनके साथ खेल रही हैं और कह रही हैं कि तुम रुक जाओ, इन लोगों को जाने दो पापा मम्मी को, तो वो कह रही नहीं मुझे इससे जानी है। तो एक होता है ना कि 5,000 सीढ़ी को आप नीचे आने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है इस चीज़ को लेकर, तो ये बात कर रही है, जहाँ भी जाती है एक फ्रेंड सर्किल जोन बना लेती है ये। माता रानी का चैत मास में, आप महारानी का नवरात्रि टाइम में अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो एक होता है ना कि शांति लगता है, आप मंदिर के एक अलग सी ही फीलिंग होती है, आप मंदिर के अंदर जाते हैं एक अलग सी फीलिंग आती है, गर्ड्स के साथ आप इंजॉय करते हैं, शांति फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग को 1, 2, 3 खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि नेक्स्ट जो रोपवे का ट्रॉली आएगा उसमें वो बोल रहे हैं कि और बोला जा रहा है कि लास्ट ही जाएंगे, जो भी है बस ये लास्ट है, उसके बाद रोपवे बंद कर दिया जाएगा। चलो चलो चलो, घुमा देंगे घुमा देंगे।
चलो बैठ जाओ। यहाँ पे पीहू के साथ प्रैंक कर दिए, वो अंकल इसके साथ खेल रहे थे और पीहू को बोली इससे जानी है, बोली हाँ, क्योंकि बहुत एक्साइटेड थी, बार बार आगे जा रही थी, इसलिए वो बोले ठीक है तुम अंदर चली जाओ। और अंदर जाने के बाद उसे बाय कर रहे हैं, करे तुम जाओ और तुम्हारे दादाजी पापा ये सब नहीं जाएंगे, बस तुम जाओ, इसलिए वो काफ़ी रोने लगी और खुद आंसू पोंछ रही है, देख सकते हैं। इतनी रोने लगी वो, क्योंकि होता है ना बच्चे का एक्साइटमेंट होता है, बार बार वो रोबे के पास जाने की कोशिश कर रही थी, तो प्रैंक कर दिए। आनंद नहीं छोड़ना है। हाँ। इसमें ऐसी भी है, जाने वाले चालू नहीं किया था, अभी चालू है। चालू है ना। हाँ। ऐसी नहीं, हवा खुला, आओ खुला रख लिया है। ओ। हवा बढ़ गया है सब बोल रहा, इसीलिए बंद करेगा। हवा बढ़ रहा है। हवा का दबाव बढ़ गया। तो हम लोग आए थे उस समय तो कितना हुआ हुआ था, तो अभी देखिए उसमें नहीं होता ना कुछ। मम्मी सामने नारायण, कहाँ सामने नारायण, वो दिख रहा है तो बोल दे क्या है बेटा वो सामने नारायण। तो आप देख सकते हैं जितनी भी ट्रॉली जा रही है सब ब्लैंक जा रही, कोई भी अब ना जा सकता है ना आ सकता है, क्योंकि रोपवे ये लास्ट थे हम लोग जो रिटर्निंग हो रहे हैं, और जो ऊपर रह गए वो ऊपर रह गए, अब उन्हें रोपवे से नहीं बल्कि सीढ़ियों से आना पड़ेगा। और देख सकते हैं छोटा छोटा कितनी खूबसूरत सी व्यू मंदिर है, और इंजॉयमेंट होता है यहाँ पे। पीहू शायद कुछ बोले तो उस पर पीहू उन्हें बोल रही है नहीं, ऊपर बोला जा रहा था कि ऊपर का टेम्परेचर ख़राब है या जो भी है, उस अनुसार से लगा नहीं कि ऊपर का टेम्परेचर या जो बोला जा रहा था वो है, बट जो भी है देर से ही सही। लेकिन अगर माता रानी का दर्शन हो गया, जय माता दी का जयकारा हो गया तो ये काफ़ी है, क्योंकि दर्शन नवरात्रि टाइम में हो जाना वो काफ़ी होता है। और हम लोग फाइनली नीचे उतर गए और सही सलामत से अच्छे तरीके से दर्शन करके नीचे आ गए, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। सब मिलकर बोले जय माता दी, महारानी माता की जय। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।